हेलो दोस्तों, स्वागत है सब लोगों का। आज हम बात करेंगे कॉलम के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरीके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डायामीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल बार्स ऑफ ए कॉलम शुड नेवर बी लेस देन। यानी जो भी हम बार इस्तेमाल करते हैं कॉलम के लिए, उनका व्यास कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, 12 mm से कम डायमीटर की बार आप कॉलम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मिनिमम क्लियर कवर फॉर RCC कॉलम। RCC कॉलम में कम से कम कितना क्लियर कवर होना चाहिए। तो यहाँ पर दो कंडीशन आती हैं आपकी। अगर बार का डायमीटर मान लीजिए आप 12 ले रहे हो, अगर फाइव ले रहे हो आप कितना 12 mm, तो आपको जो कवर रखना है वो रखेंगे आप 25 mm का। और अगर आप फाइव की वैल्यू ग्रेटर देन 12 ले रहे हो तो आपको कवर रखना है 40 mm का। तो यहाँ पर हम मिनिमम कवर की बात करें तो मिनिमम कवर कितना है हमारा 25 mm। तो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेटर ऑफ 25 mm और डायमीटर। अगर आप 12 से ज़्यादा की सरिया इस्तेमाल करते हैं तो आपको 40 mm का कवर रखना है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS कोड मिनिमम नंबर्स ऑफ बार फॉर ए स्क्वायर कॉलम। अगर आपके पास में कोई स्क्वायर कॉलम है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है मान लीजिए 400 बाई 400 का, 400 बाई 400 का, तो इसमें आप कम से कम कितनी सरियां डाल सकते हैं। तो स्क्वायर कॉलम के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें कम से कम आप डालेंगे 4 सरियां। तो यहाँ पे आपका 4 वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद में जो भी इसमें हम सरियां डालते हैं वो इवन नंबर में डालते हैं। आफ्टर 4 बार आप जो सरियाँ डालेंगे वो इवन नंबर में डालेंगे। इवन नंबर में किस तरीके से, 6 डाल सकते हैं, 8 डाल सकते हैं, 10 डाल सकते हैं, 12 डाल सकते हैं, यानी इवन नंबर में सरियाँ होनी चाहिए, कम से कम 4, उसके बाद इवन नंबर में। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS कोड मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम। कॉलम में अधिकतम रेनफोर्समेंट कितना दिया जा सकता है। तो कॉलम में जो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट है वो 6% तक दिया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका 6% सही है। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम कवर टू द टाई और स्पायरल शुड नॉट बी लेस देन। यानी जो हम कवर छोड़ते हैं, मिनिमम कवर जो होगा आपका वो हमारा छल्लों का, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई भी इस तरीके से कॉलम है और यहाँ पर हमारे क्या लगे हुए हैं, स्टार्प्स लगे हुए हैं या टाई बार लगे हुए हैं, यहाँ पर हमारी ये सरिया है, लॉन्गिट्यूडनल बार है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, क्लियर कवर। तो ये जो क्लियर कवर है, अब अगर मान लीजिए हम इस तरीके की रेक्टेंगुलर स्टार बार यूज़ करते हैं तो उनको हम टाई बोलेंगे। अगर सर्कुलर हम कॉलम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर जो हम बार इस्तेमाल करेंगे टाई बार, वो होती है हमारी राउंडेड, गोल होती हैं, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं स्पायरल। तो इनके बीच का जो कवर होगा मिनिमम वो कितना होना चाहिए, 25 mm। अगला क्वेश्चन है, क्लियर कवर प्रोवाइडेड इन ए कॉलम इफ डाया ऑफ बार मोर देन 12 mm। जैसे कि मैंने अपने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर डायामीटर कितना है हमारा 12 mm से ज़्यादा है तो हम कितना कवर रखेंगे, 40 mm का। तो यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन सही है, 40 mm। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम कवर प्रोवाइडेड फॉर द कॉलम विच आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर और फायर। अगर मान लीजिए कोई भी कॉलम पानी के कॉन्टैक्ट में आ रहा है या आग के कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो उसमें जो हम कॉलम में कवर प्रोवाइड कराएंगे वो मिनिमम कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 50 mm। हम नॉर्मल कंडीशन में कितना रखते हैं, 40 mm,
अगर 12 mm की सरिया यूज़ कर रहे हैं तो कितना रखते हैं 25 mm का। अगर यही पानी के कॉन्टैक्ट में आएगा या मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो कम से कम हमें जो क्लियर कवर रखना है वो रखना है 50 mm का। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन फॉर टू इक्वल कॉलम इज रेस्ट्रिक्टेड द शेप ऑफ द फुटिंग जनरली अडोप्टेड इज। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप दो इक्वल साइज़ के कॉलम लेते हैं और अगर आपसे बोल दिया जाए कि जो इसकी फाउंडेशन की चौड़ाई है वो फिक्स रखनी है, यानी न तो आपको बढ़ानी है लोड के अकॉर्डिंग और ना ही आपको कम करनी है। अब मान लीजिए लोड ज़्यादा आ रहा है लेकिन आप उसकी चौड़ाई को बढ़ा नहीं सकते, ये रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, तब आप क्या करेंगे? तब उसमें जो आप फुटिंग इस्तेमाल करेंगे उसकी शेप क्या होगी, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल या ट्रायंगुलर? तो यहाँ पर जैसे आपको ये दिख रहा है ये दोनों कॉलम इक्वल साइज़ के हैं। अब इसका जो प्लान है, प्लान में देखिए आपको किस तरह की फिटिंग दिखाई दे रही है, रेक्टेंगुलर, यानी ये वाली इसकी लंबाई, ये जो डायरेक्शन है ये कम है और ये वाली ज़्यादा है, तो ये किस टाइप की फिटिंग होगी, रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पर हमारा रेक्टेंगुलर वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, टू इंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन द थिकनेस ऑफ द फाउंडेशन इच। अगर हमें किसी भी प्रेशर को इक्वली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरी फाउंडेशन पर तो हमें जो फुटिंग बनानी पड़ेगी वो हमारी किस तरीके की होनी चाहिए, कैप यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी सभी जगह उसकी जो भी थिकनेस होगी वो बराबर होनी चाहिए, इंक्रीज ग्रेजुअली टूवर्ड्स द एज, या बाहर की तरफ उसकी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए यानी बढ़ती हुई जानी चाहिए, या डिक्रीज ग्रेजुअली टूवर्ड्स द एजेस, या जो इसके किनारे हैं किनारे की तरफ इसकी जो थिकनेस है वो कम होती जानी चाहिए। अगला ऑप्शन है द कैप जीरो एट द एजेस, यानी इसके किनारों पर जो क्या है थिकनेस जीरो होनी चाहिए। तो इसमें आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है, जो इसकी थिकनेस है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ये किनारा है और ये कॉलम का फेस है, तो यहाँ पे देखिए कॉलम के फेस पर जो फुटिंग हमने दी है इसकी ऊंचाई कुछ ज़्यादा है और इस किनारे पर ऊंचाई केवल इतनी ही है, ठीक है। तो अगर हमें यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो इसके लिए किनारे की तरफ जो इसकी थिकनेस है वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली डिक्रीज होनी चाहिए यानी कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एन आरसीसी कॉलम इज ट्रीटेड एज शॉर्ट कॉलम। आरसीसी कॉलम को शॉर्ट कॉलम कब बोला जाता है, इफ़ इट्स स्लेंडरनेस रेशियो इज लेस देन। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर स्लेंडरनेस रेशियो 45 से कम है यानी 45 से कम है तो वो शॉर्ट कॉलम के कंसीडर किया जाएगा, और अगर 45 से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग कॉलम के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन सही है आपका 45। अगला क्वेश्चन है आपका, द थिकनेस ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट फुटिंग ऑन पाइल एट इस एजेस इज कैप्ड लेस देन, यानी किनारे पर पाइल के ऊपर अगर आप कंक्रीट की फुटिंग लगा रहे हैं आरसीसी की तो उसकी थिकनेस कितने से कम होनी चाहिए, तो उसकी थिकनेस होनी चाहिए आपकी 15 cm से कम। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ मेन बार इन आरसीसी कॉलम सेल नॉट बी लेस देन। जो सरिया इस्तेमाल करेंगे उसका डायमीटर कितने से कम नहीं होना चाहिए, 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन एंड अराउंड सी का कोस्ट कंस्ट्रक्शन, यानी समुद्र तट निर्माण में आप या उसके आसपास कहीं कंक्रीट का काम कर रहे हैं तो कंक्रीट का जो मिनिमम ग्रेड है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर कंक्रीट का मिनिमम ग्रेड समुद्री तट निर्माण के आसपास या समुद्र में ये होना चाहिए आपका, मिनिमम M30 ग्रेड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द थिकनेस
द एडिशनल थिकनेस कवर टू प्रोवाइडेड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर दैट आर टोटली इमर्ज्ड इन सी वाटर। अगर मान लीजिए आपका कोई भी कंक्रीट का मेंबर है यानी कॉलम है या बीम है कुछ भी है, अगर वो पूरी तरीके से समुद्र के पानी में डूबा हुआ है, तो उसमें आप जो अतिरिक्त, जैसे मान लीजिए अगर आप कॉलम लेते हैं तो कॉलम में कितना कवर रखते हैं आप, 40 mm का, 40 mm। अगर मान लीजिए ये समुद्र के पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ है तो आप इस कवर को कितना और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, तो आप कितना और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, वो 40 mm और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। तो जब भी कोई भी मेंबर हमारा समुद्र के पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ होता है तो हम जो नॉर्मल क्लियर कवर है उसके अतिरिक्त हम 40 mm एक्स्ट्रा और उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इन आरसीसी कॉलम कॉलम इज ट्रीटेड एज लॉन्ग कॉलम इफ इट्स स्लेंडरनेस रेशियो इज ग्रेटर देन। हम किसी भी कॉलम को लॉन्ग कॉलम कब कहेंगे, जब उसका स्लेंडरनेस रेशियो किससे ज़्यादा होगा, 45 से। यानी अगर इसका स्लेंडरनेस रेशियो 45 से ज़्यादा है तो हम उसको लॉन्ग कॉलम की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।